मानव कल्याण एक सामाजिक संस्था है जिसके मुख्य उद्देश्य कमजोर वर्ग के लिए काम करना, जैसे फ्री लीगल एड, फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन करना, नशाबंदी के लिए काम करना, विजिटेरियनिज्म को बढ़ावा देना और देश की सांस्कृतिक धरोहर को बचाकर रखना, कवि सम्मेलन आयोजित करना भी इसी उद्देश्य का एक हिस्सा है। मानवता ज्ञान प्रतिवर्ष 15 साल से 2 अक्टूबर को और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन करता है और ये कवि सम्मेलन देश की 2 महान हस्तियों की यादगार में आयोजित किया जाता है। बापू महात्मा गांधी के पर्यायवाची हैं, उसी तरह से बाबूजी स्वर्गीय जगजीवन राम का पर्यायवाची है। बाबूजी की राजनीतिक यात्रा 1936 में शुरू हुई और 50 सालों तक लगातार चलती रही। ये अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। बाबूजी ने काम किया उसने 4 चांद लगा लिए। जब वो लेबर मिनिस्ट्री में थे तो उन्होंने लेबर वेलफेयर के लिए अभूतपूर्व काम किया। जितने भी वेलफेयर ओरिएंटेड लेजिस्लेशन थे लेबर मिनिस्ट्री के, चाहे वो ग्रेचुटी एक्ट हो, बोनस एक्ट हो, तब बाबूजी की देन। जब उन्होंने रेलवे मिनिस्ट्री संभाली तो रेलवे को सुधारने के लिए और आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी कदम उठाए। रेलवे को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उन्होंने वाराणसी में डीजल इंजन बनाने का कारखाना लगाया। सवारी डिब्बे बनाने के लिए पेरम्बदूर में कारखाना शुरू किया और जमालपुर में माल डिब्बे बनाने का कारखाना स्थापित किया। 1966 में जब देश सूखे से त्रस्त था और अकाल की स्थिति पहुंच चुकी थी, तब एग्रीकल्चर मिनिस्टर की हिस्से से उन्होंने देश के प्रख्यात वैज्ञानिकों से मशवरा करके नई नई निवेशी योजनाएं और अपने कार्यकाल में ही भारत को अनाज के दृष्टि से आत्मनिर्भर बना दिया। एज डिफेंस मिनिस्टर मैं समझता हूँ बाबूजी का वो गोला के दूध की लाज रखनी है। भारत माता तुम्हें आवाज दे रही है, भारत के रणबांकुरों आज दुश्मन पर बांस की तरह फूट पड़ो, अपने रक्त से विजय का इतिहास रचो, जसो ले लो, कल मैं वहां कहना चाहता हूँ। बाबूजी की तेजस्वी भाषण से और एक नई स्फूर्ति आ गई और रातों रात जसो ढह गया, जवानों ने सचमुच अपने रक्त से विजय का इतिहास रची है। हमको अच्छी तरह से याद है कि इस समय जन का माहौल चल रहा था तो बाबूजी ने एक बार नहीं कितनी जगह बोला था कि यदि दुश्मन ने इस बार हमारे ऊपर थोपा तो इस बार लड़ाई भारत की भूमि पर नहीं दुश्मन की जमीन पर लड़ी जाएगी। अब उन्होंने क्या कर दिया ऐसे तो हमारा I from the Uttar section to Delpa, family in Bihar. Babuji was an outstanding leader who left for the impression of this darling and facility personality of country's social, political and parliamentary life. An outstanding parliamentary, a brilliant administrator, a powerful communicator and a dedicated leader, a professional compassionate integrity. काव्य में संवेदन है और लय है, बिना संवेदना के यहाँ होता ना कभी काव्य लिख नहीं सकता और अगर उसमें लय न हो तो फिर वो गद्य बन जाएगा पर नहीं रहेगा। तो यही 2 बातें बाबूजी से जुड़ जाती हैं। बाबूजी कवि नहीं थे मगर कवि हृदय थे। मैं जब छोटी थी तो मैं देखती थी कि अक्सर मैथिली शरण गुप्त जी जो उस समय राज्यसभा के सदस्य थे हमारे यहाँ आया करते और कविताएं सुनाया करते थे।
ये भी सौभाग्य की बात है और वो क्षण ऐतिहासिक क्षण थे कि जब मैथिली शरण बुक खुद अपनी कविता सुना और उसके बाद दिनकर जी से गहरी मित्रता थी बाबू जी की और उसी दिन मैं समझती हूँ मेरे जीवन के लिए अविस्मरणीय पल थी कि मैं दिनकर जी के सानिध्य में उन्हीं की वाणी से उन्हीं की कविता सुना करती।